हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्टा रिव्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं शकुंतलम मूवी के बारे में। शकुंतलम मूवी जो कि राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्यार पर बेस्ड है, और ये महाभारत के एक काव्य में से उठाया गया एक किस्सा है, और उसी पर फ्रेंड्स ये मूवी पूरी बनाई गई है। अब फ्रेंड्स, आप इसको आदिपुरुष से कंपेयर मत कीजिएगा। कई लोग आदिपुरुष से इस मूवी को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अभी आदिपुरुष मूवी तो देखी नहीं है। अब वो कैसी होगी उसके बारे में तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन फ्रेंड्स हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ, लो बजट में काफ़ी अच्छी मूवी थी। और ये भी एक साउथ के द्वारा बनाई गई है, ये बॉलीवुड के द्वारा नहीं बनाई गई, और उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो लो बजट में काफ़ी अच्छी मूवी हमें देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, डिटेल में बात करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर कोई भी इस चैनल पर नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइमलाइन की। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करूंगा, स्टोरी टाइमलाइन काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स, आपको इंगेजिंग लगता है, क्योंकि आप इसकी स्टोरी तो शायद पहले से ही जानते होंगे जिन्होंने महाभारत और रामायण जैसे काव्य को पढ़ा हुआ है, या इसकी हिस्ट्री को अगर जानते हैं। तो फ्रेंड्स वही स्टोरी थी, कुछ नया नहीं था, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छी स्टोरी लगी मुझे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो उनके लिए तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी रहने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर बात करूंगा डायरेक्शन। डायरेक्शन फ्रेंड्स अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। आप अगर इसकी और भी मूवीज़ के साथ कंपेयर करेंगे तो डायरेक्शन थोड़ा सा वीक पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि एडिटिंग वगैरह अगर बाकी VFX की बात करें वो इतने अच्छे नहीं थे, वो बच्चों वाली थोड़ी सी एडिटिंग लग रही थी, जैसे कि आपने कुछ ऐप से अगर उठाकर एडिटिंग की हो तो वैसी एडिटिंग थी, कोई इतनी ज़बरदस्त एडिटिंग नहीं थी। थर्ड नंबर पर फ्रेंड्स साउंड और म्यूज़िक की बात करूंगा। साउंड और म्यूज़िक भी फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा वीक लगता है। नॉर्थ ऑडियंस को अगर आपने बुलाना है थिएटर्स में तो उसके लिए ये साउंड एंड म्यूज़िक काफ़ी नहीं था उनको थिएटर्स में अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसके लिए फ्रेंड्स साउंड और म्यूज़िक थोड़ा सा वीक था। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ नंबर पर बात करूंगा एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस के बारे में। एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस बहुत ही बढ़िया थे फ्रेंड्स, आपको शकुंतला समंथा इसका रोल प्ले करती हुई नज़र आएगी इस मूवी में, और समंथा का रोल फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया था। मुझे तो लगा फ्रेंड्स पूरी मूवी समंथा ने अपने ऊपर बेस्ड बनाई है, और समंथा ने अपने पैरों पर ही इस मूवी को ही खड़ा किया है। जितनी भी अगर थोड़ी बहुत मूवी अगर चली है या थोड़ा सा अच्छा इसको वर्ड ऑफ माउथ मिला है तो वो समंथा के बेस पर ही है। और इसमें फ्रेंड्स लव स्टोरी बहुत ही अच्छी दिखाई गई है समंथा और राजा दुष्यंत की, शकुंतला और राजा दुष्यंत की बहुत ही अच्छी लव स्टोरी प्रेजेंट की गई है। आप फ्रेंड्स एक एक सीन जो लव स्टोरी का देखेंगे बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही आकर्षक लगता है जब हम देखते हैं। और राजा दुष्यंत का भी जो इन्होंने रोल प्ले किया है वो भी बहुत ही अच्छा था। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें बात करूंगा स्पेशल अपीयरेंस की, जो कि थी अल्लू अर्जुन की डॉटर अल्लू आर्या। बहुत ही फ्रेंड्स अच्छा उनका परफॉर्मेंस था। लास्ट में जो उन्हें हमने उनका परफॉर्मेंस देखा है, जितना भी 5-10 मिनट का उनका परफॉर्मेंस था, उन्होंने अपना एक्टिंग में भी डेब्यू किया है अल्लू अर्जुन की डॉटर ने, और बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स उनका जो मुझे विजुअल प्रेजेंटेशन लगा बहुत अच्छा था, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी थी। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम बात करना चाहेंगे एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट लेवल इसमें फ्रेंड्स आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एंटरटेनमेंट लेवल बिल्कुल ही जीरो था, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। सस्पेंस भी आप पहले ही इसकी सारी स्टोरी जानते हैं तो सस्पेंस लेवल वाली भी कोई अच्छी ऐसी बात नहीं लगती इस मूवी में। तो फ्रेंड्स अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ तो ओवरऑल रेटिंग फ्रेंड्स इस मूवी की मेरी तरफ से रहेगी 5 में से 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।